हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, होंडाई सेंट्रो में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये सामने वाला जो चक्का है ये जाम हो जाता है और रिलीज नहीं हो पाता है। तो मैं इसको दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये अचानक से जाम क्यों हो जा रहा है। इस वीडियो में मैं आप सबको यही दिखाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसका चक्का खोल दिया और ब्रेक मार बाबू, न्यूट्रल करो गाड़ी को, छोड़ो। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये अभी बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये जो आपका कैलिवर है, ये कैलिवर में ही प्रॉब्लम है। जब भी अब ब्रेक लग रहा है तो क्या होता है कि कैलिवर का काम है ब्रेक मारने के टाइम ब्रेक मैंने रोकना और उसके बाद में वो रिलीज हो जाना, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ये कैलिवर बहुत जाम है, तो इसको जाम है तो इसको कुछ करना है नहीं, बस इसको ग्रीसिंग करना है। ज़्यादा लंबे टाइम तक गाड़ी खड़ा हो जाने से ये प्रॉब्लम होता है। तो दिखाता हूँ ग्रीसिंग कहाँ करना है और किस तरह करना है। अब देख रहे हैं ये कैलिवर का जो बोल्ट है, मैं खोला और इसको इस तरह से आपको ऊपर करना है, ये देख रहे हैं। और यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है आपका, ये जो है ये आपका जाम है। तो इसको मैं खोल के इस पर ग्रीस करूँगा। निकाल दिया और इसमें ग्रीस डाल के वापस इसको इसी पे सेट करना है। ये इस तरह से फ्री होना चाहिए। अगर ये जाम रहा तो आपका कभी भी ब्रेक जो है रिलीज नहीं होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका ऊपर का है, इसको भी आपको ग्रीसिंग करना है। जब का आप इसमें ग्रीस डाल के अच्छा से फिटिंग करेंगे। ये अब बिल्कुल फ्री है, देख रहे हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही था कि जाम होने का पीछे का रीज़न क्या होता है। इसमें मैं कोई भी सामान चेंज नहीं किया हूँ, बस मैं कैलिवर का खोल के बस ऊपर और नीचे सिर्फ ग्रीसिंग किया, वो भी अच्छा से उसको ग्रीस डाल के मैं फ्री कर दिया और इसको चक्का फिटिंग करूँगा। चक्का फिटिंग करके इसको मैं ड्राइव करके देखूँगा ये जो जाम हो जा रहा था ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। अगर मान लीजिए ये जाम है, आप इसमें गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो डिस है वो गर्म हो जाएगा और गर्म इतना ज़्यादा होगा आपका टायर भी गर्म हो सकता है, और टायर गर्म होने से आपको पता ही है कि ब्लास्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आप सबको इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि ऐसा क्यों होता है। इसमें और कुछ ऐसा है ही नहीं। इसका मैं बैरिंग चेक कर लिया था, बैरिंग बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो भी था ये कैलिवर में था। तो अब इसको मैं फिटिंग करके दिखाता हूँ आपको, चला के भी दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जो मुझे ब्रेक में प्रॉब्लम दिख रहा था अभी वो नहीं है। क्या हो क्या रहता है कि जैसे कि गाड़ी जब मैं ड्राइव कर रहा था तो अचानक सब वो चक्का जाम हो जा रहा था हमारा।
आगे का दोनों ही चक्का जाम हो रहा था। वो चक्का जाम होने का रीज़न ही यही था कि आपका जो मैं दिखाया आपको कैलिवर किस तरह से मैंने उसको क्लीन किया और उसमें ग्रीस डाला, तो वो कैलिवर जाम होने के कारण ही ऐसा हो रहा था। और अभी देखिए गाड़ी को मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक भी सही से लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे थे तो लाइक करें, चैनल को फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा इंटरेस्टिंग कोई बातें लेके। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।